मॉर्निंग क्लास। आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं वह है ऑफलाइन रिसोर्सेज। पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो जो हमने पिछले क्लास में बात किया था ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में, आज हम उसी से रिलेट बात कर रहे हैं ऑफलाइन रिसोर्सेज के बारे में। लेकिन जितने भी ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होगी हमारे सब्जेक्ट वाइज। हम जो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे वो हमारे लिए मायने रखती है, इसीलिए हम ध्यान भी ज़्यादातर उन्हीं सब चीज़ों पर, उन्हीं सब रिसोर्सेज पर देंगे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं। सबसे जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं वो सभी जानते हैं कि कॉमन रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहला आता है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। कॉमन रिसोर्सेज है जो सब होता है, सब सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। जनरल में हम कहीं जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स के अलावा भी जो हमारे डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक, सोने से पहले तक होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं वो किससे रिलेट करेंगे, हमारी साइंस से या फिर साइंस से जुड़ी ब्रांचेस के साथ में। और वो ब्रांचेस जो है वो आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब कुछ ये सारी चीज़ें हमसे रिलेट होती हुई होगी। तो हमारी बात आती है साइंस की। अब देखिए, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं आपके जो पेडागॉजी में इम्पॉर्टेंट है उनकी मैं बात कर रही हूँ, वरना साइंस की अनगिनत इनफिनाइट ब्रांचेस हैं उनमें हम पकड़ नहीं सकते। तो हमारे जो रिसोर्सेज है, अभी जो मैंने बात की हमारे जनरल रिसोर्सेज के बारे में, तो जनरल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन से होते हैं, अगर हम सब्जेक्ट की बात नहीं करें, कॉमन में बात करें, तो जनरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो है हमारा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ये जनरल है। हम इन जनरल्स के बारे में बात इसलिए नहीं करेंगे कि ये छोटे से लेकर के बड़े बच्चे सब जानते हैं। छोटे से छोटा बच्चा इसकी नॉलेज रखता है कि भैया मैं जब लर्निंग कर रहा हूँ या किसी भी चीज़ की कोई टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए सारी चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम जब रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं, किसी को सीखने या सिखाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तब हम बात करेंगे हमारे पर्टिकुलर ऑफलाइन रिसोर्सेज की। भैया सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ऑफलाइन रिसोर्सेज आपके नज़र में क्या है? What do you mean by offline resources? Offline resources वे resources हैं जो हमें बिना किसी network के, बिना किसी wifi के, बिना किसी internet के जोड़ता है और किसी भी चीज़ की knowledge देता है, information देता है। वो resources हमारे लिए क्या होंगे? Offline resources. This is the first difference between online and offline resources. That is network or without network. हम network का use कर रहे हैं, That was online, और जिसका हम बिना नेटवर्क के यूज़ कर रहे हैं, बिना इंटरनेट के यूज़ कर रहे हैं, वे रिसोर्सेज हमारे हैं ऑफलाइन रिसोर्सेज। तो वो एबिलिटी आपके अंदर कौन पैदा कर रहा है? वो रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं जो आप बिना नेटवर्क यूज़ किए हुए कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है वो हमें देखना ज़रूरी है कि हमारे सब्जेक्ट के अनुसार हमारे लिए ऑफलाइन रिसोर्सेज कौन से इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले एक बात मैं करना चाहूँगी कि ऑफलाइन रिसोर्सेज जो है वो ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले बात, पहले हमने बात की ये क्या है, अब बात करते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी देखिए हमारे लिए इसलिए है, जहाँ तक हमारे लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज ज़रूरी है वैसे ही हमारे लिए ऑफलाइन रिसोर्सेज भी ज़रूरी है। ऑनलाइन रिसोर्सेज हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता। किसी भी इंफॉर्मेशन को कम समय में लेने के लिए हम ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन तब का क्या, जब हमारे पास कोई भी तरह का नेटवर्क या इंटरनेट नहीं था, तब क्या चीज़ थी? तब हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती थी? वो विद्वान, वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने किताबें बनाई, वो क्या है? वो हमारे लिए ऑफलाइन रिसोर्सेज को पैदा करके गए हैं, मीन्स प्रोड्यूस करके गए हैं। उन्होंने हमें इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी उपायदेता, इसकी महत्ता समझाई कि हमारे लिए ऑफलाइन रिसोर्सेज कितने ज़रूरी हैं। तो पहला जो मैं आपको बारे में बात बताऊं कि वो चीज़ है सबसे पहली हमारे अंदर क्षमता को पैदा करना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की, किसी भी चीज़ को लर्न करने की क्षमता को पैदा करने की ताकत सबसे ज़्यादा है ऑफलाइन रिसोर्सेज में।
क्यों है? क्योंकि आज ऑफलाइन रिसोर्सेज मुझे करना सिखाएगा, मुझे ऑब्जर्व करना सिखाएगा, मुझे देखना महसूस करना सिखाएगा। जब तक मैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व फील या फिर किसी चीज को सी नहीं कर लूंगी, मतलब ये सारी चीजें जब तक मैं अपने ज्ञानेंद्रियों को इस्तेमाल करके किसी चीज को नहीं सीखूंगी, तब तक वो चीज़ मुझे लर्न नहीं होगी। तो सबसे अच्छी तरीके से, सबसे मजबूत तरीके से जो चीज़ आपको लर्न करना सिखाता है, जो आपके अंदर एबिलिटी को पैदा करता है, वो है आपके ऑफलाइन रिसोर्सेस। ये देखिए, ये आपको लर्निंग बाय डूइंग सिखाता है, यानी कि जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ये कमी उसमें सबसे ज़्यादा होती है कि आप ना ही उस चीज़ को करके देख पाते हैं, ना उसको फील कर पाते हैं, सिर्फ आप देख और सुन सकते हैं। ये दो ही ज्ञानेंद्रियाँ आपका इस्तेमाल में आती है ऑनलाइन रिसोर्सेज में, लेकिन ऑफलाइन रिसोर्सेज में ये सारी ज्ञानेंद्रियाँ आपके काम में आती है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका ब्रेन। ब्रेन तब तक आपका यूज़ आता रहता है जब तक आप टेक्स्ट बुक में किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि टीचिंग बाय डूइंग। आप किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं तो आप खुद करके सीखेंगे या करवाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रहे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन याद रहेगी। दूसरी बात कि आपको फीडबैक जो होगा वो सबसे जल्दी मिलेगा, आपको मोटिवेशन जो है वो सबसे जल्दी मिलेगा और लंबे समय के लिए मिलेगा। मींस वो एक तरीके से आपका स्थायी होगा। देयर इज नो लिमिट ऑफ ऑफलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज की लिमिट है लेकिन ऑफलाइन रिसोर्सेज की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑफ ऑफलाइन रिसोर्सेज। आप अनगिनत चीज़ें हैं आपके आसपास में। अगर मैं एक टॉपिक की खोज कहीं पर करना चाहूँगी तो मुझे खूब सारी किताबें मिलेगी, अलग अलग वैज्ञानिकों की सोच, उनके थॉट्स मुझे मिलेंगे, उनके डेफिनेशंस मुझे मिलेगी, उन्होंने अपने हिसाब से उसका अर्थ क्या दिया है, मुझे वो सब चीज़ें किताबों में मिलेंगी। और वो क्या है? टेक्स्ट बुक इज वॉट? टेक्स्ट बुक इज, पाठ्य पुस्तक इज ऑफलाइन रिसोर्सेज। ये एक ऑफलाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अहम जो मैं बात करूँ ऑफलाइन रिसोर्स की, तो सबसे पहले आएगा टेक्स्ट बुक। इसीलिए मेरे मुँह से बार बार टेक्स्ट बुक निकल रहा है। वैसे आपके साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस के बारे में बात करूँ तो आपको लर्निंग बाय डूइंग में सबसे पहले बात आएगी डिस्कवरी, रिसर्च। ये सारी चीज़ें आप खुद करके सीखेंगे और ये सारी चीज़ें क्या होगी? ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। आप एक ऑनलाइन रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में लेते हैं। मतलब आज अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ, मुझे उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे उसका मीनिंग नहीं समझ में आया, कोई भी वर्ड अदरवाइज नहीं आता है, तो मुझे उस लाइन को समझने के लिए या उस एक पर्टिकुलर मीनिंग को समझने के लिए मैं ऑनलाइन का रिसोर्स का यूज कर सकती हूँ। मीन्स मैंने गूगल खोला, वो मीनिंग मैंने देखा, मैंने मीनिंग देख करके किताब वापस मोबाइल बंद करके और फिर वापस बुक में वो चीज़ पढ़ने लग गई, क्यों? मेरे लिए ईजी हो गया। तो वो ऑनलाइन रिसोर्स मेरे लिए एक सिर्फ एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करेगा कि हाँ, मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन मेरा जो मुख्य जो रास्ता है, जो मेन जो मेरा वे होगा टू लर्न, टू गो फॉरवर्ड, वो होगा ऑफलाइन रिसोर्स। मैं उसके अंदर जरूर उस ऑनलाइन रिसोर्स का यूज़ कर सकती हूँ लेकिन हमेशा उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ी खामी है उसकी। अब देखिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मुझे मोटिवेशन जल्द से जल्द मिलेगा, मैं जल्द से जल्द कंक्लूजन पर पहुंचूंगी। क्यों पहुंचूंगी? क्योंकि मेरा उसके अंदर जो कैलकुलेशन होगा इन द मैथमेटिक्स, इन द फिजिक्स और इन द केमिस्ट्री, इन सब में आपको पता है इन तीन सब्जेक्ट में कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। तो ये जो कैलकुलेशन होगी, मैं बहुत जल्दी मेरे कंक्लूजन पर पहुंचूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? साधन है ऑफलाइन रिसोर्सेज के। तो कैलकुलेशन पर जल्दी पहुंचने का कारण क्या है? मेरी स्पीड। मेरी स्पीड कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी मेरी प्रैक्टिस से। तो ऑफलाइन रिसोर्सेज आपको कहाँ लेके जाते हैं? आपको प्रैक्टिस की ओर लेके जाते हैं। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वापस मैं उसी चीज़ पर आती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस मीन्स आपको बार बार उस चीज़ को करके देखना पड़ेगा।
करके देखेंगे, तब जाकर के आपको एहसास होगा कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह आ गई, ये कमी है ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज के जो आपको कभी नहीं करवाएगा प्रैक्टिस, वो आपको कभी नहीं करवाएगा। आपने देखा, देख करके उस चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन ऑफलाइन रिसोर्स में आप बार बार उन कंक्लूजन्स तक पहुँचने के लिए उन कैलकुलेशन को करेंगे, और कैलकुलेशन से ही आपकी जो एक्सपीरियंस होगा या आपकी जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होगा, आपका जो तरीका है वो स्ट्रांग होगा, आप अपने मेथड्स में, आप खुद अपने वीडियो में स्ट्रांग होते चले जाएंगे। मींस आपको एक मोटिवेशन के साथ साथ में आपके एक्सपीरियंस भी बढ़ेंगे, आपकी ज्ञानेंद्रियों को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, उनको महसूस करने का अवसर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी है ऑफलाइन रिसोर्सेज के बारे में, ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफलाइन रिसोर्सेज के, कि हमारे लिए ऑफलाइन रिसोर्सेज क्यों होने चाहिए, ये उसका आंसर है। अब देखिए, बात करती हूँ कि मैं साइंस की अगर ऑफलाइन रिसोर्सेज की बात करूँ तो ये मेरे लिए क्या है। तो सबसे पहला जो मैंने अभी नाम लिया वो है पहले नंबर पे आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट 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 ऑफलाइन रिसोर्स। क्यों है ये? पाठ्य पुस्तक वो है जो सदियों से चली आ रही है, ये वो लेखा जोखा है जो सबने अपने विचार, सबने अपने थॉट्स सही रूप में आके हैं, सही रूप में लिखे हैं, वो है आपके टेक्स्ट बुक। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी रहा हो, सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक। अलग अलग वैज्ञानिकों की, चाहे वो मैथ्स हो, अलग अलग कैलकुलेशंस, अगर मैं किसी भी एक्सरसाइज को कर रही हूँ तो मुझे मैथ्स के अंदर वो एक्सरसाइज एक किताब में अच्छी मिलेगी, दूसरे में और भी अच्छी मिलेगी, तीसरे में और भी अच्छी मिलेगी, साथ में क्वेश्चंस का रूप अलग अलग मिलेगा। मींस मैंने एक बात कही, देयर इज नो लिमिट ऑफ ऑफलाइन रिसोर्सेज। ये आप कहीं पर भी देखिए, किताबों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ऑफलाइन रिसोर्सेज की जो महत्ता है वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और इस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लाइब्रेरियों में पढ़ी जो किताबें हैं उनमें दीमक ही लग रही है, उनको कोई जाकर के नहीं देखता है, वो सिर्फ ऐसे ही धूल लगती जा रही है उन पर और दीमक लगती जा रही है। लेकिन ऑफलाइन रिसोर्सेज के बहुत मायने हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज गलत है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ऑफलाइन रिसोर्सेज की महत्ता बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन रिसोर्सेज से। तो टेक्स्ट बुक जो है वो सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट ऑफलाइन रिसोर्सेज है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस ही क्यों ना हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो। सेकंड इज़ द साइंस लेबोरेटरी, चाहे वो साइंस लेबोरेटरी में बायो लेबोरेटरी हो, चाहे वो कोई भी लेबोरेटरी हो, तो साइंस लेबोरेटरी जो है वो आपको हर चीज़ करने पर जोर देगी, आपको ऑब्जर्व करवाएगी, आपको फील करवाएगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपके रिजल्ट्स तक पहुंचाएगी और आपके फीडबैक में मदद करेगी। और देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए अपनी सारी कोशिशें लगा देते हैं, और उन सारी कोशिशों के परिणाम स्वरूप आपका उस टॉपिक के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ती है, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। सबसे खास बात, जो साइंस लेबोरेटरी जो आपको करती है वो मैथ्स में भी मजबूत करती है, चाहे अगर आप बायो की स्लाइड्स देख रहे हैं तो भी, मैथ्स की देख रहे हैं तो भी, फिजिक्स की देख रहे हैं तो भी, चाहे कोई भी लेबोरेटरी हो साइंस में, वो आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तब आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही पहुंचते हैं। तो साइंस लेबोरेटरी इज़ द ऑफलाइन रिसोर्सेज। थर्ड जो चीज़ आती है लेबोरेटरी में, ध्यान रखिएगा सारी लेबोरेटरीज आएगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी मैथ्स। अच्छा, एक जो आती है वो आपकी आती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत मायने रखती है सब चीज़ों के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ ऑफलाइन रिसोर्स। फिर आपका जो चौथा आता है वो आती है आपकी एडवेंचर, आपका स्कूल, आपका ग्राउंड, सब कुछ, आपका सोशल जो एनवायरनमेंट है वो, आपके गेम्स, जितने आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं वो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्या है, ऑफलाइन रिसोर्सेज है। ये ऑफलाइन रिसोर्सेज आपकी हॉबीज़ को भी बढ़ावा देते हैं, आपके नॉलेज को बढ़ावा देते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं, फीडबैक देंगे, आपके मोटिवेशन में मदद करेंगे, आपकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका ब्रेन बढ़ेगा, साथ साथ में आपकी जो ब्रेन स्ट्रॉन्गिंग है किसी भी कैलकुलेशन को करने की, आप वहाँ तक पहुँचेंगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब आपके सामने कोई भी चीज़ अगर आएगी, एक कैलकुलेशन आई मैथ्स में या फिजिक्स में आई वो डेरिवेशन, आप जल्द से जल्द उसके पार करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन रिसोर्सेज आपको प्रैक्टिस की ओर लेकर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती हैं। साथ में आप देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, एडवेंचर में आप सब ले लीजिएगा, रिसर्च डिस्कवरी सब चीज़ें, ये सारे सर्वे आपका, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एडवेंचर में आती है डिस्कवरी वाली। और जो आपकी दूसरी जो चीज़ें आती हैं वह है आपका सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एवरीथिंग। मतलब जितने भी आपने रिसोर्सेज पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके लिए ऑफलाइन रिसोर्स हैं। मतलब कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आप किसी भी चीज़ की टीचिंग या लर्निंग कर रहे हैं लेकिन विदाउट नेटवर्क, विदाउट इंटरनेट कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपके लिए ऑफलाइन रिसोर्सेज होते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं कम्प्लीट होता है। आप इसका जितना हो सकता है, ये कॉमन नॉलेज है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस आपके लिए आज के जो क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन कि ऑफलाइन रिसोर्सेज की क्या उपाध्यता है, ऑफलाइन रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साइंस में कौन सा आपकी नज़र में ऑफलाइन रिसोर्सेज महत्वपूर्ण है व उपयोगी है। ये तीन क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इनके आंसर्स लिखने हैं। सो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट